हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी टीचर अनुराधा सिंह। श्री समृद्धि क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की क्लास में हम अपने जो एक्सरसाइज है हमारा 20B, उसका लास्ट क्वेश्चन जो दो बचा था 20 एंड 21, उसे सॉल्व करेंगे। ये देखने में थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन मैं इसे बहुत ही इजी तरीके से यहाँ बताऊंगी, जिससे आपको इसका सॉल्यूशन बहुत ही इजी लगने लगेगा। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए हम यहाँ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। चलिए देखते हैं इसे। अ सिलेंडर इज ओपन एट बोथ एंड्स एंड इज मेड अप ऑफ 1.5 सेंटीमीटर थिक मेटल। Its external diameter is 12 centimeter and height is 84 centimeter. What is the volume of the metal used in making the cylinder? कितना volume use हुआ है इस cylinder को बनाने में, जो इस metal का है वो हमें बताना है कि metal कितना use किया गया है। और जो metal है वो कुछ इस तरीके से है। cylinder, ये जो cylinder है हमारा, इसकी height हमें दे रखी है। हाइट कितनी है हमारी यहाँ पे? 84 सेंटीमीटर। तो इसे हम लिख लेंगे 84 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमें दे रखा है कि सिलेंडर जो है वो दोनों एंड से ओपन है। मींस ये कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, ऊपर से और नीचे से ओपन है, मतलब ये पूरा खाली एरिया है। और ये क्या है, ये पूरा मेटल से बना हुआ है, थोड़ा सा मोटा सा सिलेंडर है। तो यहाँ पर इसकी जो थिकनेस है मेटल की, वो 1.5 सेंटीमीटर है। मीन्स जो थिकनेस है ये वाला एरिया, ये कितनी हमारी? 1.5 सेंटीमीटर। एक्सटर्नल डायमीटर दिया है हमें 12 सेंटीमीटर। एक्सटर्नल डायमीटर का मीन्स सेंटर से लेके यहाँ बाहर तक का, और ये पूरा, ये तो रेडियस था, यहां से लेके यहां तक का जो डायमीटर है, एक्सटर्नल डायमीटर, ये हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो हम एक्सटर्नल रेडियस भी निकाल लेंगे। तो जो एक्सटर्नल रेडियस होगा हमारा, कहां से? यहां से लेके यहां तक का ये पूरी डिस्टेंस जो है हमारी, वो कैपिटल आर है। तो एक्सटर्नल रेडियस हो जाएगा डायमीटर बाय 2, मींस 12 बाय 2, तो हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है कि इंटरनल रेडियस भी हम निकाल लेंगे। इंटरनल रेडियस मीन्स यहां से यहां तक की वैल्यू, ये वाली वैल्यू, तो इसे हम स्मॉल आर ले लेते हैं। अब ये क्या है, यहाँ पे पहले इंटरनल डायमीटर ले लीजिए, सॉरी इंटरनल रेडियस जो है हमारा, इसी से हम निकालेंगे। जो इंटरनल यहाँ पे रेडियस है हमारा, इसमें से माइनस कर देंगे जो थिकनेस है हमारी 1.5। जब इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा इंटरनल रेडियस जो है वो आ जाएगा। तो इंटरनल रेडियस यहाँ हमारा आ चुका है 6 माइनस 1.5। तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 0.5 माइनस करेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 से बन जाएगा तो 4, तो ये हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। तो हमारा इंटरनल रेडियस आ चुका है 4.5 सेंटीमीटर। अब हमें सारी वैल्यूज मिल चुकी हैं, हमें बताना है कि यहाँ पर कितना मेटल यूज किया गया है, एंड ऑल्सो फाइंड द वेट ऑफ द सिलेंडर इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द मेटल वेट 7.5 ग्राम। तो हमें ग्राम्स में भी वेट उसका बताना है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें यहां पे निकालना है मेटल यूज्ड। तो वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड, कितना यूज किया गया है उसका वॉल्यूम पता करना है। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा सा जो एक्सटर्नल वॉल्यूम है सिलेंडर का, इसे माइनस कर देंगे इसमें से इंटरनल वॉल्यूम। इंटरनल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर माइनस कर देंगे तो हमारा सीधा सीधा सा आंसर निकल के आ जाएगा। अब वॉल्यूम जो होता है सिलेंडर का, उसका फॉर्मूला हमें पता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो एक्सटर्नल के लिए हमने कैपिटल आर लिया है, और हाइट दोनों के लिए सेम होगी, पाई की वैल्यू सेम होती ही है। तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। अब क्या करेंगे, जो कॉमन है वैल्यूज उनको कॉमन ले लेते हैं, जैसे पाई और एच। तो ये बाहर आ जाएंगे पाई एच, और ब्रैकेट में रह जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हम यहां पर वैल्यू सॉल्व करेंगे। पाई की वैल्यू 22/7, हाइट है हमारी 84 सेंटीमीटर, और ब्रैकेट में कैपिटल आर की वैल्यू है हमारी 6 के स्क्वायर, और स्मॉल आर की वैल्यू है हमारी 4.5 स्क्वायर।
अब इसे सॉल्व करना है तो हो जाएगा यहाँ पे 7 × 7, 7 × 7, 7 × 7, 7 × 14, 12 × 22, तो 12 × 2 = 24, 2 carry, 12 × 2 = 24 + 2 = 26, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 6 × 6 = 36, अब 4.5 का हमें निकालना है स्क्वायर, तो हम सॉर्ट ट्रिक से कर लेते हैं, 4.5, 4.5 क्या करेंगे, पहले साइड साइड से, तो 5 × 5 = 25, 2 carry, 5 × 4 = 20, 5 × 4 = 20, 20 + 20, 40 + 2 = 42, 4 carry, 4 × 4 = 16 + 4 = 20, means आ गया 20, 25 - 20, 25, लेकिन दो डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो सॉल्व करेंगे 2, 2 × 6 = 4 × 36 से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 36 से हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 20.25 को, तो ये 5, 9 से 2 = 7, यहाँ 5 और यहाँ हो जाएगा 1, मीन्स हमारा आ जाएगा 15.75। अब क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करना है तो किसे करना है, 1575 जो डेसिमल में है इसे मल्टीप्लाई करना है 264, यहाँ कर लेते हैं हम, 4 से करेंगे, 4 × 5 = 20, 2 carry, 4 × 7 = 28 + 2 = 30, 4 × 5 = 23, 4 × 4 + 6, 6 × 5 = 30, 6 × 7 = 42 + 3 = 45, 4 carry, 6 × 5 = 30 + 4 = 34, 6 × 6 + 3 हो जाएगा हमारा 9, क्रॉस 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14, 1 = 15, 2 × 5 = 11, 2 × 5 = 10 + 1 = 11, 1 carry, 2 × 2 + 1 = 3, सॉल्व करेंगे यहाँ 0, 0, 8, ये हो जाएगा हमारा 10 + 5 = 15, 10 × 1 = 11 और ये 4, डेसिमल दो डिजिट के बाद है तो यहाँ लगा देंगे, मीन्स हमारा आंसर आ चुका है यहाँ पे 4158, लेकिन किस में, सेंटीमीटर क्यूब में। अब हमें चाहिए यहाँ पर ग्राम्स में वैल्यूज, तो हम क्या करेंगे, जो भी आंसर आए हमारा उसे हम 7.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ हमने थोड़ा सा इरेज कर दिया है ताकि स्पेस हो जाए, अब क्या करेंगे, हम इसे ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो जो भी हमारा वॉल्यूम आया है विच इज 4158 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमें ग्राम में करना है और 1 meter = 7.5 gram है, तो 7.5 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम यहाँ कैलकुलेटर का हेल्प ले लेते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी से हो जाए, और यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है कैलकुलेट करने में, चलिए देखते हैं, 4158 × 7.5, 31185, आप इसे कर सकते हैं, और यहाँ पर ये आएगा हमारा ग्राम्स में, आप इसे कैलकुलेटर से या हैंड से भी करके देख सकते हैं, एग्जैक्ट यही आंसर आएगा हमारा, और ये हमारा ग्राम्स में आ चुका है, हमारा सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आ चुका है, जो मेटल यूज हुआ है उसकी वैल्यू हमें बतानी थी, उसका वेट बताना था, और यहाँ हमारा आंसर आ चुका है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 और ये लास्ट क्वेश्चन भी है इस एक्सरसाइज का, तो चलिए हम देखते हैं, ये जो क्वेश्चन है जस्ट पिछला वाला अभी जो हमने क्वेश्चन किया है ठीक वैसा ही है, थोड़ा बहुत चेंज है, देखते हैं क्या चेंज है। द लेंथ ऑफ द मेटलिक ट्यूब इज 1 meter, इट्स थिकनेस इज 1 centimeter एंड इट्स इनर डायमीटर इज 12 centimeter, फाइंड द वेट ऑफ द ट्यूब इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 7.7 g/cm³। यहां पर क्या है इसे समझते हैं डायग्राम की हेल्प से, एक मेटलिक ट्यूब है हमारे पास कुछ इस तरीके का, और यहां पर इसकी लेंथ दे रखी है 1 meter, तो जो लेंथ है इसे हम हाइट ले लेते हैं h 1 meter, एंड इट्स थिकनेस इज 1 centimeter। अगर हम इसका टॉप या बॉटम से देखें तो ठीक पिछला वाला जैसा डायग्राम था कुछ ऐसा ही बनेगा, कुछ इस तरीके से, और इसकी जो थिकनेस है मीन्स यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, ये हमें दे रखी है 1 centimeter, 1 centimeter। इट्स इनर डायमीटर, इस बार अंदर का डायमीटर दे रखा है 12 centimeter, मीन्स अगर ये सेंटर है तो ये जो लाइन है ये डायमीटर है, वो भी इनर डायमीटर, तो इसे स्मॉल डी ले लेते हैं और इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 12 centimeter,
यहाँ पे वैल्यूज न लिखते हुए बाहर लिख लेते हैं ताकि डायग्राम क्लियर रहे। तो हमें इनर डायमीटर दिया है, इनर डायमीटर जो है हमारा वो 12 सेंटीमीटर, तो इनर रेडियस भी निकाल लेंगे। ये हो जाएगा हमारा डायमीटर बाई टू मीन्स 12 बाई टू, तो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, एक्सटर्नल रेडियस भी चाहिए। तो जो एक्सटर्नल रेडियस होगा हमारा कुछ यहां से लेके यहां तक का, और हमें पता है इनर जो रेडियस है उसे हम स्मॉल आर ले लेते हैं और जो एक्सटर्नल रेडियस है उसे हम कैपिटल आर ले लेते हैं। एक्सटर्नल रेडियस अब हमें इसे निकालना है, तो क्या होगा, ये जो रेडियस है हमारा और जो थिकनेस है दोनों को ऐड कर देंगे, यहां से यहां तक की वैल्यू एंड देन थिकनेस ऐड कर देंगे। जब 6 है और थिकनेस कितनी है हमारी 1 सेंटीमीटर, मींस जो एक्सटर्नल रेडियस आ जाएगी हमारी 7 सेंटीमीटर होगी। तो हमारी एक्सटर्नल रेडियस भी आ चुकी है और इंटरनल रेडियस भी आ चुकी है। अब यहां से जो वॉल्यूम लिमिट यूज हो रहा है इस ट्यूब में वो कितना है यहां से निकालते हैं। सबसे पहले वेट निकालना है, किसका, मेटेलिक ट्यूब का, वेट ऑफ द मेटेलिक ट्यूब, मेटेलिक ट्यूब। तो क्या हो जाएगा, जो हमारा एक्सटर्नल वॉल्यूम है, एक्सटर्नल वॉल्यूम ईवी लिख देते हैं माइनस इंटरनल वॉल्यूम आईवी। सॉल्व कर लेंगे, एक्सटर्नल वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर, एक्सटर्नल है तो रेडियस कैपिटल लिया हमने आर स्क्वायर और हाइट दोनों की सेम रहेगी, माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। अब यहां से जो वैल्यूज कॉमन है बाहर ले लीजिए पाई एच, और यहां पर ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 22/7, हाइट हमें दे रखी है 1 मीटर और यहां पर हमें बाकी जो रेडियस वगैरह है वो सेंटीमीटर में है, तो 1 मीटर इज इक्वल टू हमें पता है 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम पुट कर देंगे 100 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब अंदर देखते हैं, रेडियस जो है हमारा वो कैपिटल आर मीन्स एक्सटर्नल रेडियस 7 के स्क्वायर माइनस इंटरनल 6 के स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 22/7 मल्टीप्लाई 100, 7 7 जा 49 माइनस 6 6 जा 36। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 7 से 6 जाएगा 3 एंड 4 से 3 जाएगा 1, तो ये हो जाएगा हमारा 13। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर की हेल्प से ताकि हमारा ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, लेकिन आपको यहाँ एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा तो आप प्लीज अपने हाथ से ही कीजिएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 22 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 13, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ लिख लेते हैं हम, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 28600। अब हमें डिवाइड करना है 7 से, तो 7 से जब डिवाइड करेंगे इसे, कर लेते हैं डिवाइड बाय 7, तो हमारा कुछ आंसर आ जाएगा यहाँ पे 4085.714। आगे बहुत सारी वैल्यूज है, मैक्सिमम हम 3 decimal places तक लिख लेते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें पता है कि 1 cm³ में हमारा 7.7 ग्राम है और हमें ग्राम्स में निकालना है, तो 7.7 से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारी ग्राम में वैल्यू आ जाए। तो सेम एज इट इज ये हमारा क्यूबिक सेंटीमीटर में था, तो अब हम इसे भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं ग्राम्स में लेने के लिए, 4085.714 मल्टीप्लाई 7.7, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 31459.997, इस तरीके से ग्राम्स में वैल्यू आ जाएगी। तो हमारी ग्राम्स में वैल्यू आ चुकी है जो हमें इस क्वेश्चन में चाहिए था, ग्राम्स में ही वैल्यू, तो हमने ला दिया है। तो ये हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि सारे सॉल्यूशंस अभी तक आपको क्लियर हो गए होंगे अच्छे से। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको प्लेलिस्ट में एडेड मिल जाएंगे, आप वहां से जाके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं अच्छे से। अब हम आपसे मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले क्लासेस में। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।